हेलो गाइस, माय नेम इज विक्रम। वेलकम यू टू स्ट्राइव फॉर प्रोग्रेस। टॉपिक आपको पता लग गया होगा, चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे दादू दयाल जी की। दादू दयाल, अब इनके बारे में मैं आपको सारी की सारी डिटेल याद करवाने वाला हूं, और वो हम कैसे याद करेंगे, दद्दू से। अब ये जो दादा लोग होते हैं, इनमें बड़ा अहम होता है। अहम किस बात का? क्योंकि मैं अपने दादा के बारे में बताऊंगा। जो मेरे दादा हैं, वो पूरा दिन दारू से लदे रहते हैं। वाणी उन्होंने कभी पढ़ी नहीं, ब्रह्मा का नाम उन्होंने कभी लिया नहीं, और उनको फिर भी ये लगता है कि मैं स्वर्ग में जाऊंगा। उनको ये नहीं पता कि स्वर्ग वाले भी क्या बोलेंगे, ना रहने दो, इनकी तो दूर से ही जय है। उनको ये नहीं पता। और बाकी अगर हम बात करें, अगर दादा की एज का कोई आदमी हो, क्या उसकी शादी हो सकती है? शादी कहां होगी? दादा की एज का होगा तो शादी नहीं होगी। नेक्स्ट, ये जो दादा है हमारे, वो मांचे के ऊपर दरी बिछा लेते हैं और वहीं पे बैठे रहते हैं, क्योंकि पीनी होती है ना, पीनी होकर टुन हो जाएंगे तो वहीं पे बैठे रहेंगे। वहीं पे हम इनको क्या खिला देते हैं? खाना खिला देते हैं। और इनको क्या बोलते हैं? ये लो, सांभ लो अपनी खुंडी, क्योंकि पीकर जब खड़े होगे तो गिर मत जाना, खुंडी सांभ लो अपनी। अब एक बार क्या हुआ, ये शादी में गई, वहां पे उन्होंने बहुत पी ली, तो वहां पे खालसा वीर था एक, जिसने क्या किया, इनको खाना खिलाया, नींबू पानी पिलाया और इनकी सारी उतरवाई जो पी हुई थी इतनी। और वहां पे जो दुल्हा था, वो भी इनके साथ वहां पे आके गोलमेज में बैठ गया। अब बताओ, जो दादा के संग रहेगा वो भी क्या हो जाएगा? रजा रहेगा दारू से। पूरे अंग अंग में इनके क्या भरी हुई है? दारू भरी हुई। 25 रुपए का पौवा शाम को इन्होंने पीना ही पीना है। तो और अगर हम बात करें, वहां पे एक सुंदर लड़का भी था, जिसको नाग जो होता है, नाग, वो बड़ा अच्छा लगता था। तो उसने क्या किया, अपने घर में ले आया उसको, और उसको गेट बंद कर देता था, अपने कमरे में रखता था और बोलता था इसको नजर ना लग जाए किसी की। अगर कोई बाहर से खोल भी देता था तो उसको क्या बोलता था, तुझे 10 बार बोल दिया, गेट बंद रख, नाग बाहर नहीं जाना चाहिए। और उसके पास एक हथियार था, तो मैंने बोला ये हथियार किस लिए लेकर घूम रहे हो? तो वो बोला ये दद्दू का है, क्योंकि दद्दू का बैर किसी ना किसी से होता ही रहता है, क्योंकि पीकर लड़ाई झगड़ा भी तो करेंगे, तो उनका है हथियार। मैंने बोला हथियार जो है वो फौजी लोग के पास होता है जो छावनी में रहते हैं, तुम्हारे किस काम का? तो यहां से आपको सारी डिटेल याद हो चुकी है। कैसे? चलिए देखते हैं। सबसे पहले हम क्या बोल रहे थे कि दादू को बड़ा अहम है, तो जन्म इनका हुआ था अहम से, क्या आ जाएगा? अहमदाबाद। अहमदाबाद में इनका हुआ है जन्म, और वो पूरा दिन दारू से लदे रहते हैं। यहां से क्या याद रहेगा, इनका लालन पालन किसने किया है? लोदीराम ब्राह्मण ने इनका क्या किया था, लदा से लोदीराम ब्राह्मण याद रहेगा, इसने इनका लालन पालन किया है। उसके बाद हमने क्या बोला था, पूरा दिन दारू से लदे रहते हैं, वाणी इन्होंने कभी पढ़ी नहीं, वाणी। तो इनका जो मंदिर है वहां पे मूर्ति ना रखकर किसको रखा जाता है? दादू वाणी को रखा जाता है। मूर्ति न रखकर इनकी दादू वाणी को रखा जाता है, क्लियर। उसके बाद मैंने क्या बोला था, ब्रह्मा का नाम इन्होंने कभी लिया नहीं, ये बोला था। तो इनका जो, इनके जो गुरु थे
इनके गुरु का नाम था ब्रह्मानंद, ब्रह्मानंद था इनके गुरु का नाम, ठीक है। और ये जो ब्रह्मानंद थे ये कबीर के शिष्य थे। मैंने बोला ना कि ब्रह्मा का नाम इन्होंने कभी लिया नहीं, कभी इसलिए बोला था ताकि आपको कभी याद रहे कभी से कबीर। और एक और याद रहेगा आपको, राजस्थान का जो कबीर है वो भी किसको कहते हैं, दादू दयाल को, राजस्थान का कबीर। तो क्या बोला था, ब्रह्मा का नाम इन्होंने कभी लिया नहीं, कभी से कबीर याद रहेगा। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि दादू के एज के जो बंदे हैं क्या उनकी शादी हो सकती है, बोला था। तो दादूपंथी जो है, दादूपंथी कभी भी विवाह नहीं करते, दादूपंथी कभी भी विवाह नहीं करते, इससे हमने ये याद करवाना था। उसके बाद मैंने क्या बोला था कि जो दादू है वो मांचे के ऊपर दरी बिछा लेते हैं और वहीं पे बैठे रहते हैं, वहीं पे उनको खाना दे आते हैं, ठीक है, यही हमने बोला था। तो इससे आपको क्या याद रहेगा, दरी से क्या आएगा, दरी से आएगा दरीबा, दरीबा अगर आपको याद आ गया तो आगे नाम क्या है, अलख। अलख दरीबा क्या है, इनका जो सत्संग स्थल होता है जहां पे ये सत्संग करते हैं उस स्थल को क्या कहते हैं, अलख दरीबा, उस स्थल को अलख दरीबा कहा जाता है। उसके बाद हमने क्या बोला था कि हम उसको क्या बोलते हैं, दादू को, ये लो सांभ लो अपनी ठूंडी, ये बोलते हैं। तो प्रथम उपदेश दादू दयाल ने अपना प्रथम उपदेश कहां दिया था, सांभ लो, सांभ लो से सांबर, सांबर में अपना प्रथम उपदेश दिया है, खुंडी बोला था। तो इसकी भाषा कौन सी थी उपदेश की, डुंडाड़ी, डुंडाड़ी खुंडी, डुंडाड़ी खुंडी, याद हो जाएगा, डुंडाड़ी भाषा में प्रथम उपदेश दिया सांबर में। उसके बाद हमने क्या बोला था कि वो एक बार शादी में गए थे, वहां पे ज्यादा पी ली, तो एक खालसा वीर आया जिसने इनको खाना खिलाया और सारी इनकी उतरवा दी। तो यहां से क्या याद रहेगा, आगे जाके कालांतर में जो दादूपंथी हैं, दादूपंथ है वो पांच भागों में विभक्त हो गया था। अब वो पांच कौन कौन से हैं, खालसा वीर आया था, तो खालसा वीर से आएगा विरक्त, वीर से क्या आ जाएगा, वीर, देखो वीर से विरक्त, क्या खिलाया था इनको, खाना खिलाया था। तो खा से तो क्या याद रहेगा आपको, खा से आ जाएगा खाकी, ना से क्या आ जाएगा नाग, ठीक है, और इनकी उत्तरवादी, उत्तरवादी से आ जाएगा उत्तरादी। ये पांच इनके क्या हो गई हैं, इनकी ब्रांचेज आगे बन चुकी थी दादूपंथ की, खालसा वीर ने खाना खिलाया और इनकी उत्तरवादी, ठीक है। अब वहां पे जो दुल्हा था, जो भी इनके मतलब दादू के जो संग रहेगा वो भी क्या हो जाएगा, पूरा दिन दारू से रजा रहेगा। तो इनके दो शिष्य आपको याद हो जाएंगे यहां से, रजा रहेगा, रजा से रज्जब जी, रज्जब जी थे इनके शिष्य, ठीक है। और उन्होंने अपना पीठ कहां चलाई थी, जो दादू के संग रहेगा वही रजा रहेगा ना, संग रहेगा, तो संग से सांगानेर, और सांगानेर कहां पे है, जयपुर में, यहां पे इन्होंने पीठ चलाई अपनी। और दुल्हे की बात हो रही थी, तो दुल्हे का मतलब क्या है, रज्जब जी आजीवन दुल्हे के वेश में रहे थे, दुल्हे के वेश में रहे थे आजीवन, कौन, रज्जब जी। यहां तक क्लियर हो गया आपको। नेक्स्ट वहां पे हमने क्या बोला था कि एक लड़का था जिसको वहां पे नाग बड़ा सुंदर लगता था, तो दूसरे शिष्य का नाम क्या है, सुंदर दास जी, दूसरे शिष्य हैं सुंदर दास जी, इनको क्या पसंद था, नाग। तो नागा शाखा की जो स्थापना की थी वो सुंदर दास जी ने की थी, नागा शाखा की स्थापना कहां पे की, वो जो लड़का था वो अपने कमरे में रखता था नाग को, और गेट जो है वो बंद रखता था और 10 बार बोलता था क्या,
कि गेट को नहीं खोलना, इसको नजर ना लग जाए, यही बोलता था। तो यहां से क्या आ जाएगा, गेट से तो क्या आ जाएगा, गेटोला कहां पे है, ये वाली इनकी पीठ, गेटोला, गेटोला है। और 10 बार बोलता था तो गेटोला कहां पे है, दोसा में, गेटोला दोसा। अब उसके बाद क्या बोला था मैंने, इसके पास एक हथियार भी था, हथियार था तो ये हथियार बंद साधु थे, सुंदरदास जी हथियार बंद साधु थे। और मैंने क्या बोला था कि ये हथियार किसका है, तो इसने क्या बोला था कि ये तो दादू का है, क्योंकि उनका बैर किसी ना किसी से चलता रहता है। तो बैर से क्या याद रखना है, जो दादू दयाल जी का जो शरीर था उसको बैराना की पहाड़ियों में फेंक दिया था पशु पक्षियों को खाने के लिए, बैराना की पहाड़ियों, बैर, बैर से क्या आ जाएगा, बैराना की पहाड़ियों में फेंक दिया था पशुओं पक्षियों को खाने के लिए। तो मैंने क्या बोला था, हथियार तो कौन रखता है, फौजी लोग रखते हैं जो छावनी में रहते हैं। तो छावनी से क्या है, इनका निवास स्थान है, क्या इनके निवास स्थान को छावनी बोला जाता है, सुंदरदास जी के निवास स्थान को छावनी बोला जाता है। अब मैंने एक और चीज बताई थी आपको कि जो हमेशा राजा रहेगा और इनके अंग अंग में दारू भरी हुई है, ये चीज रहेगी हमारी। तो इनके जो ग्रंथ हैं, एक तो देखो रज्जव जी नाम है, तो पहला ग्रंथ तो सीधा ही है रज्जव वाणी, रज्जव वाणी इनका पहला ग्रंथ, ये तो नाम से ही है। दूसरा क्या बोला था हमने वहां पे कि इनके अंग अंग में दारू भरी हुई है, तो सर्व अंग में दारू भरी हुई है, जब वो दूल्हे के साथ बैठे पी रहे थे तो सर्वंगी, सर्वंगी किसका ग्रंथ है, रज्जव जी का, यही तो थे दूल्हे के बेस में और वहां पे बैठे पी रहे थे। तो ये सारी स्टोरी है, ऐसा कुछ भी नहीं है, क्योंकि हमने दादा को लेकर चले हैं हम और रज्जे से रज्जव जी बना लिया। तो ये आपकी सारी डिटेल आपको ऐसे याद हो जाएगी, क्योंकि वहां पे जब क्वेश्चन आएगा ना तो आपको सारा इमेज बन चुकी है आपके माइंड में कि क्या क्या हुआ था, दादू में अहम था, लदा रहता था। और मैंने एक और चीज बताई थी आपको, 25 रुपए का पौआ हर शाम को ये पीते हैं, तो 25 रुपए के पौआ से भी आपको एक याद चीज आ जाएगी। देखो 25 रुपए का पौआ आता है, अभी तो शायद पता नहीं महंगा हो गया हो शायद, तो 25 का उल्टा कर दो आप, क्या बनेगा 52, 5 आगे कर दिया 2 पीछे, तो 52 इनके क्या थे, दादू दयाल के शिष्य थे, टोटल 52 थे, जिनमें ये दो फेमस है रज्जव जी और सुंदरदास जी। और हमने एक बात बोली है कि इनको लगता है कि ये स्वर्ग में जाएंगे ऐसी इतनी इतनी पीकर, तो स्वर्ग वाले क्या बोलेंगे, ना रहने दो, इनकी तो दूर से ही जय है, हमने ये चीज भी बोली थी। तो यहां से आपको क्या याद रहेगा, दादू पंथी जो है इनकी मुख्य जो पीठ है वो कहां पे है, ना रहने दो, ना रहने दो से नरैना, इनकी तो दूर से जय है, नरैना जयपुर, ये इंपॉर्टेंट बात है, नरैना जयपुर में इनकी मुख्य पीठ है। तो ये सारा आपको पूरी डिटेल थी, शायद आपको याद हो गई होगी। दूसरे हमारे संत हैं जाम्बो जी, तो जाम्बो जी के बारे में क्या इंपॉर्टेंट चीजें हैं, जाम्बो जी, अब देखो जाम्बो जी में आपको यहां से पीछे से वर्ड मिल रहा है बोझ, बोझ से क्या बन जाएगा, भोजन, और भोजन हम किस लिए करते हैं, अपने पेट को भरने के लिए, अपने पेट को भरने के लिए। और हमारा पेट भरता कौन है, हमारे पापा, वही तो कमाई करते हैं ना, तो पेट कौन भरता है, पापा भरते हैं, इसलिए हम पापा का क्या मानते हैं, लोहा मानते हैं पापा का, तो पापा का क्या मानते हैं, लोहा मानते हैं।
डरते हैं उनसे और अपनी माँ के साथ हंसते हैं, तो माँ के साथ क्या करते हैं? हंसते हैं। बचपन में जब भी हमें कुछ टॉफी वगैरह लेनी होती थी, पैसे मांगते थे, वो भी माँ से मांगते थे, और फिर दोनों हमें क्या करते थे, दोनों मिलकर हमें उपदेश देते थे कि ऐसे तूने रुपया पैसा खर्च नहीं करना फालतू की चीजों पर, तूने पढ़ लिख कर अच्छा मुकाम हासिल करना है, ये बोलते थे। तो जब भी कोई रुपया पैसा मांगना होता था, मतलब धन मांगना होता था, तो मां से मांगते थे, फिर दोनों हमें उपदेश देते थे कि तूने अच्छा मुकाम हासिल करना है, ऐसे वेस्ट नहीं करना पैसा। इन चीजों से आपको डिटेल याद हो चुकी है। कैसे? देखो, पापा से क्या आ जाएगा, पापा से याद रहेगा आपको पीपासर। पीपासर नागौर में इनका जन्म हुआ था, इनका जांबो जी का, पीपासर में देखो पापा था। उसके बाद लोहा से लोहट जी, लोहट जी था इनके पिता का नाम। ये कौन है? लोहट जी है इनके पिता का नाम। हंसते किससे थे? मां से, तो मां का नाम था हंसाबाई। हंसाबाई था मां का नाम। जब भी कोई रुपया पैसा मांगना होता था तो हम क्या करते थे, वो भी मां से मांगते थे। तो इनके बचपन का नाम था धन से धनराज। धन से क्या आ जाएगा? धनराज, जो इनके क्या था, बचपन का नाम था, बचपन का नाम था धनराज। फिर दोनों हमें मिलकर उपदेश देते थे, दो नौ। देखो, दो से क्या बना? दो। नौ से क्या बना? नौ। तो इन्होंने क्या किया था, टोटल 29 क्या दिए थे, उपदेश दिए थे, 29 नियम थे इनके, ठीक है। उसके बाद वो क्या बोलते थे कि तूने एक अच्छा मुकाम हासिल करना है। तो मुकाम से मुकाम बीकानेर में क्या है, मुकाम बीकानेर में इनकी प्रमुख पीठ है, और मुकाम में ही क्या किया था इन्होंने, उपदेश दिए थे, मुकाम में ही सॉरी समाधि दी थी इन्होंने, तो मुकाम नाम याद रहेगा आपको। इसके बाद यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट बात और है, देखो 29 को मैं कैसे लिख सकता हूं, 29 मतलब 20 और 9 को 9 लिख दो या 9 ही लिख दो। 9 ही क्या होता है, 9 ही मतलब 9, जिसमें हम 9 भी तो लिखते हैं 9, तो 9 ही, तो 20 नोई से बिश्नोई। बिश्नोई जो है, मतलब जो 29 नियम इन्होंने बनाए थे, तो इस जाति को मान लो बिश्नोई इनको बोला जाता है, बिश्नोई संप्रदाय, बिश्नोई संप्रदाय बोल लो, या इनको मानने वाले जो हैं भक्त हैं इनके, इनको बिश्नोई बोला जाता है। अब बिश्नोई से आपको एक चीज और याद आ जाएगी, देखो अगर मैं विष्णु लिखूं, विष्णु, विष्णु में देखो विषण, बिश्नोई में विषण भी तो आ रहा है, तो यहां पे भी विष्णु है, तो विष्णु का अवतार माना जाता है किनको, जांबो जी को, विष्णु का अवतार। तो कोई भी चीज आपको है कि आपको याद रखनी पड़ेगी अलग से, आगे के आगे वही चीजें जो है वो आपको सारी डिटेल याद करवा रही है। तीसरे जो संत हैं उनके बारे में याद करने के लिए आपको एक डायलॉग सुनना है। वो डायलॉग क्या है, हमारे पास जस भी है और रूप भी, और हम दुश्मनों के साथ 36 का आंकड़ा रखते हैं, और इसकी वजह से दुश्मन हमारे नजदीक आने से कतराता है और काला धागा पहनता है, और प्रभु से बोलता है कि इस हैवान से मुझे बचाना प्रभु, लेकिन हम उसको ऐसा जाल में फंसाते हैं कि वो मोर की तरह नाचने को मजबूर हो जाता है। अब यहां से आपको याद क्या होता है वो देखिए, हमने क्या बोला था, हमारे पास जस भी है, तो आपको संत का नाम पता लग गया होगा, किसकी बात कर रहे हैं, जसनाथ जी, जसनाथ जी
को हमने याद करना था, जसनाथ जस आ गया। हमारे पास क्या है, जस भी है रूप भी है, और हम दुश्मनों के साथ 36 का आंकड़ा रखते हैं, जिसकी वजह से वो हमारे नजदीक आने से कतराते हैं। कतराते, कतराते से क्या याद रखना है, इनका जो जन्म हुआ था वो हुआ था कतरियासर। कतरियासर जो कहां पे है, बीकानेर में, और इनकी प्रमुख जो पीठ है वो भी कहां पे है, कतरियासर बीकानेर में ही है। दोनों याद होगी। और हमने क्या बोला था, हमारे पास जस है, हमारे, हम बोला है, तो पिता का नाम क्या था, पिता का नाम हमसे हमीर। देखो हम बोला था ना मैंने, हमारे पास जस है तो हम, हमीर ज्ञानी, हमीर ज्ञानी था इनके पिता का नाम। हमारे पास जस भी है रूप भी है, रूप से आ जाएगा माता का नाम, माता का नाम था रूपा दे, माता का नाम याद हो गया रूपा दे। हम दुश्मनों के साथ 36 का आंकड़ा रखते हैं, तो 36 नियमों की पालना का क्या दिया था इन्होंने, उपदेश दिया था, तो 36 नियम। ठीक है, दुश्मन हमारे पास आने से कतराते हैं और काला धागा पहनते हैं, काला धागा, तो काली ऊन का धागा पहनते हैं इनके जो भगत हैं, इनके भगत जो हैं वो काली ऊन का धागा पहनते हैं, काली ऊन का धागा। ठीक है, काली ऊन का धागा पहनते हैं, ये याद हो गया। लेकिन हम दुश्मन को ऐसा जाल में फंसाते हैं कि वो मोर की तरह नाचने को मजबूर हो जाता है। ठीक है, तो यहां से क्या याद रखना है, इनके जो भगत हैं वो मोर पंख और जाल में फंसाते हैं, तो जाल वृक्ष, मोर पंख व जाल वृक्ष को पवित्र मानते हैं। क्यों, लगा दी ना आग, आग से क्या याद रहेगा, जो जसनाथी सिद्ध हैं वो अग्नि नृत्य करते हैं, अग्नि नृत्य, क्योंकि हमने इस चीज से आग लगा दी, ऐसे याद कर लेना, आग से अग्नि नृत्य। तो ये डिटेल थी सारी जसनाथ जी के बारे में। नेक्स्ट संत है हमारे चरणदास जी, चरणदास जी, चरणदास जी के बारे में काफी डिटेल हमने याद करनी है, तो ध्यान से स्टोरी को सुनना। देखो चरण नाम की एक लड़की है जो लव करती है किसको, रंजीत नाम की लड़की, रंजीत नाम का एक लड़का था जिसको ये क्या करती थी, लव करती थी, और हर शुक्रवार, हर शुक्रवार को इसको दिल देकर आती थी, हर शुक्रवार को इसको दिल देखकर आती थी। ठीक है, लेकिन एक दिन क्या हुआ, इसके दर पर, एक दिन क्या हुआ, इसके दर पर एक शाह आया, इसके दर पर एक शाह आया जिसने कृष्ण के जैसे पीले वस्त्र पहने हुए थे, जिसने कृष्ण के जैसे पीले वस्त्र पहने हुए थे। ठीक, और इसने सहजता से उनके पीछे एक प्रकाश भी देखा। होता है ना, हम जैसे पिक्चर्स वगैरह आती है तो देवता भगवान के पीछे एक लाइट सी दिखाते हैं, पीछे ज्योति उनकी, तो इसने भी सहजता से उनके पीछे एक प्रकाश सा देखा। कैसे देखा, सहजता से, धीरे से इनके पीछे एक प्रकाश देखा, और इसने क्या किया, चमत्कार देख के कि ये तो भगवान का रूप है, इसने उनके पैर छुए। तभी क्या हुआ, जो आदमी था वो शाह जो था, उसको दया आई इनके ऊपर, उसको क्या आई, दया आई इनके ऊपर,
और वो क्या बोला कि मैं कितना पागल हूं, मैं तेरे दर पे तेरे से शादी करने आया था, मैं तेरे दर पे तेरे से शादी करने आया था, मेरी विनती है तेरे से कि मुझे माफ कर दे। तू तो मुझ में भगवान ढूंढ रही है और मैं एक लड़की से शादी करने आया था, इतनी बुरी सोच लेकर। ठीक है, इसके बाद फिर क्या हुआ, इसने उनसे माफी मांगी और क्या बोला कि मुझे अब ब्रह्मा का ज्ञान हो चुका है कि हर आदमी में भगवान होता है और हर आदमी की हमें रिस्पेक्ट करनी चाहिए। ठीक है, इसने ये बोला और खुद को कोड़े मारने लगा, धड़ाधड़ खुद को क्या मार रहा है, कोड़े मार रहा है कि मैं तो सोच के आया था कि मैं इससे शादी करूंगा, अपनी लुगाई बनाऊंगा और इसको मेरे अंदर क्या नजर आ रहा है, कृष्ण नजर आ रहा है। तो इसको काफी बुरा लगा आदमी को, तो ये धड़ाधड़ क्या मार रहा था, अपने कोड़े मार रहा था। सारी स्टोरी आपको पता लग गई, दोबारा बता देता हूं। चरण नाम की लड़की है जो लव करती है रंजीत को, हर शुक्रवार उसको दिल देखकर आती थी। एक दिन उसके दर पर एक शाह आया जिसने कृष्ण के जैसे पीले वस्त्र पहने हुए थे। इसने सहजता से उसके पीछे प्रकाश को भी देखा और ऐसा सब कुछ देखकर उसने जब उसके पैर छुए तो आदमी को दया आई और उससे विनती करके क्या मांगने लगा, माफी मांगने लगा कि मैं तो सोच के आया था तेरे से शादी करो, तुझे मेरे में कृष्ण नजर आ रहा है, ठीक है, तो मेरी तो बुरी सोच होगी। तो फिर क्या करा ये धड़ाधड़ अपने को क्या मारने लगा, कोड़े मारने लगा। सिंपल स्टोरी है। अब आपको इससे याद क्या होता है, देखो चरण से तो आपको याद आ जाएगा कि चरण दास जी की ट्रिक है। उसके बाद जो रंजीत था, रंजीत इनके बचपन का नाम था, चरण दास जी के बचपन का नाम था रंजीत, ठीक है। और लव से क्या याद रहेगा, इनका जो जन्म है वो हुआ है अलवर में, इनका जन्म लव से अलवर, जन्म कहां पे हुआ है इनका, अलवर में। हर शुक्रवार को ये दिल देखकर आती थी। शुक्रवार से क्या याद रखना है, चरणदास जी के गुरु का नाम था शुकदेव, शुकदेव से शुक्रवार, ठीक है, याद रहेगा। और शुकदेव जी ने ही क्या किया था, रंजीत नाम को चेंज कर इनका चरणदास नाम रखा था। तो गुरु का नाम शुकदेव और दिल देखकर आई थी। दिल से क्या याद रहेगा, प्रमुख जो पीठ है चरणदासी संप्रदाय की वो दिल्ली में है, ठीक है। उसके बाद हमने क्या किया था, इसके दर पर एक शाह आया था। यहां से क्या याद रखना है, जो चरणदास जी थे इन्होंने नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी की थी। नादिर शाह, देखो दर और शाह, तो यहां से आपको ये लाइन याद रहेगी कि नादिर शाह के आक्रमण की भविष्यवाणी किसने की थी, चरणदास जी ने। उसके बाद इनके जो भक्त हैं संप्रदाय वाले वो श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, श्री कृष्ण की पूजा करते हैं, पीले वस्त्रों को वो धारण करते हैं, इनके जो अनुयायी हैं पीले वस्त्रों को धारण करते हैं। अब उसके बाद इनकी दो शिष्याएं थी, एक तो थी सहजाबाई, सहजता से क्या याद रखना है, सहजाबाई इनकी शिष्य थी और सहजाबाई का ग्रंथ कौन सा था, सहज प्रकाश। प्रकाश जो हमने याद करवाया था वो इसलिए याद करवाया है, प्रकाश से क्या आ जाएगा, सहज प्रकाश ग्रंथ याद रहेगा। दूसरी दया आई इनको, तो दूसरी शिष्य का नाम था दयाबाई, दयाबाई है दूसरी शिष्य, ठीक है। अब यहां से इसके बाद इनकी जो है ग्रंथ तो आपको याद आ ही जाएंगे, जैसे दयाबाई का क्या है, दया बोध है, इनका नाम से ही है दया बोध, ठीक है। अब जो दूसरा ग्रंथ है दयाबाई का वो विनती से याद रखना है, विनती से कैसे याद आएगा, दूसरे ग्रंथ का नाम है विनय मलिका, क्योंकि जब इसने माफी मांगी थी ना तो इसने क्या बोला था, हे मलिका ए हुसन मुझे माफ कर दो, क्योंकि वो काफी सुंदर थी चरण जो लड़की थी, तो मल्लिका ए हुसन, ठीक है। और विनती से विनय,
ठीक है, विनती से विन्ने, ठीक है। तो विन्ने मल्लिका क्या है, दयाबाई का ही ग्रंथ है। उसके बाद दड़ा और कोड़े, कोड़े जब मारे थे अपने दड़ादड़, इससे क्या याद रखना है, सिंबु दड़ा व दूसरा कोड़े से कोड़ा ग्रंथ ही है, वेरी गुड। दूसरा जो है कोड़ा ग्रंथ, इनसे इनके उपदेशों की जानकारी मिलती है चरणदासी संप्रदाय की, क्लियर। अब उसने ये भी तो बोला था कि हमें, मुझे भी क्या हो गया है, ब्रह्म का ज्ञान हो गया है। अब हम सभी आदमियों में क्या है, भगवान बसता है, मुझे ब्रह्म का ज्ञान हो गया है। तो चरणदास जी के जो दो ग्रंथ है उनका नाम क्या है, ब्रह्म से याद रखना है, ब्रह्म ज्ञान सागर, ब्रह्म ज्ञान सागर है एक तो, और एक अकेला ब्रह्म ज्ञान है। ये दोनों ग्रंथ हैं चरणदास जी के, ठीक है। तो ये सारी डिटेल आपको इस छोटी सी स्टोरी से याद हो जाती है। तो हमने इस तरह चार जो संत हैं उनकी अच्छे से डिटेल याद कर ली है, छोटी छोटी स्टोरियों से, मेमोरी टेक्निक से। तो इस वाले टॉपिक को मैं पार्ट वाइज अपलोड करने वाला हूं, क्योंकि अगर एक ही वीडियो बनाएंगे तो काफी लंबी हो जाती है, आपको पता है कितना टाइम लग गया है, तो मोबाइल में भी इतना स्पेस नहीं है, तो पार्ट वाइज इसको कवर करेंगे। थैंक यू।